subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एक बार फिर से मैं अपना सुबह का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां लेकर आपके सामने हाजिर हूं और बात करूंगी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े घोटाले के बारे में। जी हां, एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि शेट्टी ने, गोपाल जो शेट्टी है उसने बहुत एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा क्या है वो आपको बताना चाहूंगी। शेट्टी समेत 3 गिरफ्तार और कई अधिकारी तलब। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,300 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच में केंद्रीय सतर्कता आयोग भी शामिल हो गया है। आयोग ने पूछताछ के लिए बैंक के अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक और बोर्ड के निदेशकों और वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव समेत आला अधिकारियों को तलब किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच के सिलसिले में शनिवार को बैंक घोटाले के मुख्य किरदार माने जाने वाले उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी, मैंने अभी शुरुआत में नाम थोड़ा सा गलत बोला था, गोकुलनाथ शेट्टी उनका नाम है, उसके सहयोगी एकल खिड़की संचालक मनोज खरात और नीरव मोदी कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी हेमंत भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। और जांच एजेंसियों ने देश भर में फैले नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की कंपनियों के स्वामित्व वाले शोरूम में खरीद फरोख्त रोक लगा दी है और कोलकाता में गीतांजलि समूह के कैमक स्ट्रीट स्टोर को बंद कर दिया गया है। और घोटाला उजागर होने के बाद बैंक प्रबंधन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी थी। और शनिवार को इस जांच में सीवीसी यानी कि चीफ यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो भी शामिल हो गया है। और सीवीसी ने बैंक के सीएमडी और वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को समन जारी करके कहा है कि वो लोग 19 फरवरी से आयोग के पहले आयोग के सामने पेश हो। और इसके अलावा जो आगे खबर है वो बाकी पेज पर है, लेकिन ये आप देख सकते हैं मुंबई के ठाणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। और सीबीआई की कार्रवाई देखिए, सीबीआई की प्राथमिकी में 280 करोड़ के फर्जी लेन देन के 8 मामले हैं और पहली प्राथमिकी में 6,498 करोड़ की राशि की जांच होगी। गीतांजलि कंपनी समूह के लिए जारी किए गए लगभग 4,886 करोड़ रुपए के शेष 150 साफ पत्र यानी कि एल ओ यू दूसरा प्राथमिकी का हिस्सा है। और ये दूसरी प्राथमिकी चौकसी और उसकी कंपनियां गीतांजलि जेम्स, नक्षत्र ब्रांड्स और गिली के खिलाफ शुक्रवार को दर्ज की गई थी। और सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि ये सभी साख पत्र साल 2017-18 के दौरान जारी या नवीकृत किए गए हैं। इसके दौरान यानी कि नीरव मोदी जो है अभी भी देश से फरार है और मेहुल चौकसी जो कहा जाता है उसका साझेदार है और उसका मामा बताया जाता है वो भी अभी गिरफ्त से बाहर है। और पूरी अगर इसकी बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 29 जनवरी को पंजाब नेशनल बैंक ने इस बाबत अपनी एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों को भनक लग गई कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ऐसे में नीरव मोदी, उनका परिवार और जो मेहुल चौकसी है वो देश छोड़कर फरार हो गए। अभी फिलहाल दावोस में उसे देखा गया पीएम मोदी के साथ, लेकिन वहां पर उसके बाद वो कहां है इस बात का भी पता नहीं चल पाया है। और लगातार ये कहा जा रहा है, जो मीडिया वहां पर पहुंच रहा है, मीडिया ने भी फोकस बना रखा है और मीडिया न्यूयॉर्क पहुंचा है और न्यूयॉर्क के किसी होटल में उसका बताया जा रहा है कि वो वहां पर है। अब ऐसे में हालांकि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रवीश कुमार, उन्होंने कहा है कि अभी उन्हें नहीं पता है, उन्हें कोई सटीक जानकारी नहीं है कि आखिर कहां है नीरव मोदी। अरबपति हीरा कारोबारी है नीरव मोदी और लगातार अब ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है और सियासत में भी इस मामले को लेकर काफी खींचतान चल रही है। पीएम मोदी को जमकर घेरा जा रहा है, भाजपा को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या वाकई अब नीरव मोदी देश में वापस आ पाएगा। हालांकि कई पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं, 4 हफ्तों के लिए मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का पासपोर्ट बैन कर दिया गया है। अब ऐसे में ये ऐसी खबरें आ रही कि पासपोर्ट जब्त करने के बाद नीरव मोदी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा किसी देश की नागरिकता लेने के लिए और उसे मजबूर होकर भारत का रुख करना ही पड़ेगा। यानी इस तरकीब से अब हिंदुस्तान लाने की कवायद की जा रही है नीरव मोदी को। हालांकि वहां पर जांच एजेंसियां भी विदेशों में उसके कई जगह छापेमारी कर रही हैं और कई जगह उसके स्टोर बंद कर दिए गए हैं और कई जगह दुकानों को सील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नीरव मोदी कब तक देश में वापस आएगा, क्योंकि 11,500 करोड़ हालांकि राशियों का जिक्र अलग अलग जगह अलग अलग बताया जा रहा है
बढ़ाए, लेकिन कुल मिलाकर 11,000 के ऊपर घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं नीरव मोदी विजय माल्या पार्ट टू साबित ना हो जाए, क्योंकि विजय माल्या भी ऐसी चपत लगाकर देश को फरार हो गया। SBI का इतना पैसा लेकर उसने लोन लिया और खुद को दिवालिया घोषित करके वो फिर देश से बाहर चला गया। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो हमारी सरकार पर भी उठता है कि आखिर हम क्यों आंखें बंद करके बैठे रहते हैं? क्या हमें किसी बात की जानकारी नहीं होती है कि आखिर किसी शख्स ने हमारे देश को इतना नुकसान पहुंचाया और देश से फरार हो रहा, और हमें इस बात की जानकारी नहीं है? वाकई बहुत बड़ी बात है कि हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि विजय माल्या भी बाहर बैठा लंदन में, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको गिरफ्तार करके वापस इंडिया ला सकें। तो वहीं नीरव मोदी का भी कुछ अता पता नहीं है। हालांकि मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि स्विट्जरलैंड में था, लेकिन अब न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कहाँ पे है, कहा जा रहा किसी आलिशान होटल में है, लेकिन अभी कुल मिलाकर अभी फिलहाल विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि नीरव मोदी न्यूयॉर्क में है। अब फिलहाल अब देखते हैं आगे इस मामले पर क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, भारत और ईरान में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। नई दिल्ली में शनिवार को भारत और ईरान के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर डाक टिकट जारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, याद देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच शनिवार को यहां आतंकवाद, सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। इसके बाद दोनों पक्षों ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चाबहार बंदरगाह के हिस्से के परिचालन के लिए पट्टे पर अनुबंध भी शामिल है। चलिए अगली खबर की तरफ करते हैं। निर्मला सीतारमण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब नेशनल बैंक स्कैम पर भाजपा का पक्ष रखा है। भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने अभिषेक मनु सिंघवी पर आरोप लगाया कि नीरव मोदी ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को फायदा पहुंचाया है। फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नीरव मोदी की कंपनी है, उन्होंने इसे अद्वैत होल्डिंग से खरीदा था। अद्वैत होल्डिंग में 2002 से कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी अनीता सिंघवी शेयर होल्डर थी। और सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने गीतांजलि कंपनी को प्रमोट किया, उसको बिल्डिंग दी और अब हमारे ऊपर आरोप डाल रहे हैं। कि कल निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब कांग्रेस को घेरा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है। पीएम मोदी और नीरव मोदी का रिश्ता भी जोड़ा जा रहा है कि आखिर वहां विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में क्या कर रहा था नीरव मोदी पीएम मोदी के साथ। आप देख सकते हैं एक और कारोबारी से जुड़ी खबर आई कि बैंक के 500 करोड़ रुपए उसने दबा लिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के महाघोटाले की जांच चल रही है कि अन्य उद्योगपति का नाम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंक कर्ज दबा लेने में सामने आया है। यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक की तरफ से कर्ज की रकम नहीं लौटाने की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने रोटोमैक कंपनी के मालिक, रोटोमैक आपको याद होगा पेन है ये, रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के रायपुर और कानपुर स्थित ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसके साथ ही ये देख सकते हैं आप, CBI के पास भी बैंकों ने शिकायत दर्ज कराई है। और ये आप संक्षेप में देख सकते हैं, यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक की शिकायत पर छापे और कुर्की जब्ती की तैयारी है। बैंक ऑफ इंडिया ने SEBI को शिकायत भेजी है। यूनियन बैंक ने कहा है पिछले एक साल से रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी से संपर्क नहीं हो रहा है, संदेह है कि वो विदेश चले गए हैं। और विक्रम कोठारी ने 5 बैंक से कुल 5,000 करोड़ से ज्यादा की रकम बतौर कर्ज ले रखी है। अगली खबर है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में आज वोटिंग हो रही है और विधानसभा के आज वहाँ पे विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर वहाँ पे वोटिंग हो रही है और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आप देख सकते हैं पिछले 25 सालों से वहाँ पर मनिक सरकार जो है सत्ता पर काबिज है। विधानसभा की 60 सीटें हैं, 59 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में जो चरीला विधानसभा सीट से माकपा के उम्मीदवार जो रामेंद्र नारायण देव वर्मा की 5 दिन पहले ही मौत के कारण इस सीट पर चुनाव अब 12 मार्च को होगा। यानी कि त्रिपुरा में अगर मैं मानी सरकार की बात करूं तो वहां पर बीते कई सालों से लगातार, अगर 1995 से बात को लगातार वहां पर मानी सरकार जो है सत्ता पर काबिज है, लेफ्ट की सरकार है वहां पर। लेकिन अभी अमित शाह वहां पर रैली करने गए थे, पीएम मोदी भी पहुंचे थे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस बार मणिक सरकार को सत्ता से बाहर करके भाजपा वहां पर काबिज होगी, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ी खीर है भाजपा के लिए। हालांकि कांग्रेस भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन इस राजनीतिक पंडितों की मानो तो बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए वहां पर अपनी सरकार बना पाना, क्योंकि वहां पर सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए, जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो शायद अभी भाजपा के लिए उतना आसान नहीं होगा उनसे पार पाना। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अगली खबर है एनबीटी में ही, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर
पीएनबी महा घोटाले के 3 मददगार गिरफ्तार हुए हैं, गोकुलनाथ सेट्टी, मनोज खरात और हेमंत भट्ट। मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बताया था। और कांग्रेस और बीजेपी में घमासान तेज हो गया है। 21 ठिकानों पर ईडी के छापे, 25 करोड़ के गहने जब्त, अब तक 5674 करोड़ की संपत्ति अटैच और 17600 करोड़ का फ्रॉड सामने आया है। और कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आकलन कहता है कि पंजाब नेशनल बैंक मार्च 2017 तक मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उनसे जुड़ी कंपनियों को 17600 करोड़ रुपए के कर्ज और बैंक गारंटी दे चुका था। इसके साथ ही आप देख सकते हैं बीजेपी छोड़कर अरविंदर सिंह लवलीकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पहले कांग्रेस में थे लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कल उनकी ये देखिए जिन जयमाकन से नाराजगी के चलते अरविंदर सिंह लवली ने 10 महीने पहले कांग्रेस छोड़ दी थी, उन्हीं की अगुवाई में वो शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस में लौट आए। और माना जा रहा है दिल्ली कांग्रेस में लौट आए और माना जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए 2 और नेता भी जल्द घर वापसी कर सकते हैं। और लवली ने कहा है कि विचारधारक स्तर में मैं बीजेपी में सहज नहीं था। और यही अगर मैं लवली की बात कर रही हूँ तो उत्तर प्रदेश से भी खबर सामने आई थी कल कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। और बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी में थे लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लगातार बीजेपी अब टूट की कगार पर आ रही है। बीजेपी के कई नेता अब टूटते जा रहे हैं। इधर दिल्ली में देखा जाए तो बीजेपी के कई नेता टूट रहे हैं। सिर्फ अरविंदर सिंह लवली का नाम शामिल नहीं जो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, उसमें कई और लोगों के नाम शामिल हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश का रुख करूँ तो वहाँ पर भी बीजेपी के कई नेता हैं। अभी फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे का नाम शामिल हुआ है, लेकिन अब ऐसे में सामने आ रही बात है कि कई और लोग भी इसमें सामने आ सकते हैं, यानी कई लोग का नाम भी और सामने आएगा जो बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थाम सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से बयान बहनी शुरू हो गई है, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से टूट रही है, हालांकि इसे टूट नहीं कहेंगे लेकिन नेता जिस तरह से टूट रहे हैं वो वाकई बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल आज के अखबारों की सुर्खियों में बस इतना ही। कल फिर से मैं अखबारों की सुर्खियों को लेकर आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।